बोलिए भाई। भाई मेरे ऑफिस को आए थे भाई 12 बजे के टाइम, मोबिन भाई और हमारे भाई बात कर लेते ठहरे थे। मैं जब भी चाहे ऑफिस के पास, मैं ऑफिस की कैबिन की चाबी से ऑफिस खोल रहा था, मैं कैबिन जब भी चाहे उन्होंने मार के गया, सो मारा सो नहीं देखा, उन्होंने पलट रहा था जब देखे मोबिन भाई नीचे गिर गए। मारा सोहेल नाम है बच्चे का, वही उट्टापल्ली में कहीं रहता या शाहीन नगर में, दोनों में से कहीं है घर। तो मोबिन भाई को पूछा क्या हुआ भाई, तो मार दिया भाई मेरे को, हाथ लगा लिया उन्होंने लेफ्ट साइड इधर, तो वो देख के फिर मैं गाड़ी पे ले लेके यहाँ पे आया। किसे मारा, हाथ में क्या था कि नहीं देखा मैं, मोबिन भाई देखे यहाँ गले पे पड़ रहा था, मोबिन भाई के हाथ से सेफ कर लिया उन्होंने। नहीं क्या था सो मैंने देखा, मोबिन भाई देखे एग्जैक्ट। ये हुआ कहाँ पे, ये उट्टापल्ली 4K न्यूज के ऑफिस के सामने। कब हुआ ये, कब हुआ? तो ये 12 बजे के टाइम हुआ। तो ये ऑफिस कन क्यों आए थे उन्होंने, कौन 4K ऑफिस कन क्यों? मोबिन भैया वो बच्चा, बच्चा हो, बच्चा कहीं को आया था मालूम नहीं। मुबीन भाई तो हम लोग से मिलने सामने से पहले से वहाँ पे था या बैठा हुआ पहले से था, मुबीन भाई आने से पहले से था, पहले से था। मुबीन भाई जब भी चाहे कैमरे है, सीसीटीवी कैमरे है, बाहर है, चेक करना पड़ता जाके। रहने वाला कहाँ का है सोहेल? एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम, शाहीन नगर या फिर उट्टापल्ली। कितने जने थे? मैं तो एक को देखा, गली में कौन थे नहीं मालूम। ये सोहेल रोडी शीट है क्या? शीट है भाई, प्रीवियस रिकॉर्ड है उसका, अभी भी आइडिया नहीं है। मुबीन भाई को मालूम रहता। अब मोबिन भाई की तबीयत कैसी है? जो भी हमला हुआ है ना जी, शहर में जो मुसलसिल जो अटैक्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे थे। मैं मोबिन भाई का IL का एडिटर है जी। दोस्तों मैं अपना काम बखूबी निभाते हुए मैं 4K चैनल के पास में गया था, क्योंकि ऑफिस के लिए ठहरा था। वहाँ पर पादू करने में 3 लड़के 4 लड़के ठहरे थे, मेरे को सलाम भी करे, मैं वालेकुम सलाम बेटा बोला। पलट के जब मैं आया वहाँ पर, आए बाद में फिर एक लड़का आके बोला मोबिन भाई इनको पहचानते क्या, सलाम करो। फिर मैंने सलाम करा, मैंने सलाम करा का पूछा वो लड़का सोहेल। कौन बोला सलाम करो? बोल के आप सोहेल एक लड़के को आप पहचानते थे उसको? सलाम करो वो रोडी शूटर है वो मैंने कहा यहाँ पे सो उसको हकाल दिए पे शाहीन नगर में कहीं रह रहा हूँ, शाहीन नगर में रह रहा हूँ। आपको मारने के बाद फिर चाकू बताया? फिर चाकू बताया, बोला अभी बच गया। अभी क्या बोल रहा, चाकू बता के बच गया आगे पे बाहर पे तूने बचेगा बोला। अच्छा, और मेरी ये रक्त मारने के गर्दन की मेरे हाथ को टाके लगे हुए हैं, ये हाथ से बचा गया तो मेरे को चेहरे पे। और ये क्या डाल रहा है, ये अटैक करने की वजह क्या होंगे? देखो दोस्तों मैं रात दिन मेहनत करता हूँ सबके लिए, सबके लिए। कल जो एक दरगाह का हादसा हुआ, दरगाह में भी मैं जाके पूरा बता के करके रातें रात पूरा करके आज सुबह में दरगाह की दुरुस्ती हो गई। और जितने भी मसाइल होते हैं रात भर में, मैं उस्माने के पास में अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते हुए, मैं अपनी कौम की मदद करने के लिए अपनी सहाफत को आपने इस्तेमाल करते हुए, मैं सबके लिए हर किसी के लिए हमदर्दी करते हुए काम करता हूँ। हाँ, ये इससे पहले इनका एक चौकीदारी का वारदात हुआ था, मैं दाना था उनका, कंप्लेन करे थे जब आप पुलिस कंप्लेन था, तो वो निकालो बोल के। कितने दिन पहले हुआ था वो? 2 साल पुरानी बात है। टारगेट मैं न्यूज डाला था, तो वो मेरी न्यूज को निकालो बोले, भाई मैं कैसा निकालूंगा, जो हकीकत है वो सीसी कैमरे के साथ था, मैंने डाला था। तो न्यूज नहीं निकाले बोल के हमला बोलते, वो काफी दिनों से था। और ये गंजेटी है, धमकियां भी दे रहा था, ये गांजा पीने के थे ये, एक उनके साथ में एक अपाहिज बच्चा भी था, उसके उसके पास में एक मोटा सा लट भी था, और वो अपाहिज है मरदा प्रदीप, और वो वहाँ का रहने वाला है, वो शमा कॉलोनी का है, ठीक है। वो भी मुझे सलाम करा था। वहाँ पे कैमरे वगैरह कैमरे हैं, वो भी देखेंगे जाके। लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, भाई मेरी 51 साल की उम्र है, 16 साल की सर्विस है, मैं जान पे खेल के मैं कौम की मिल्लत की खिदमत करता हूँ। अगर आप लोग हम जैसे लोगों को मारेंगे तो कौम की मिल्लत की खिदमत कौन करेगा? भाई जरा थोड़ा ब्लड जाता है ऐसे। चलो मैं EBN आंध्रा ज्योति से हूँ। मोबिन भाई हमारे IN न्यूज़ के चीफ एडिटर है, जो काफ़ी अरसे से बोलते सो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रात 12 बजे के टाइम पे 4K ऑफिस के पास कुछ रिपोर्टर से मिलने के लिए गए थे। सडन कोई एक सोहेल नामी रोडी शीटर आया, आके नाइफ लेके आके इनके ऊपर अटैक करा। अटैक करने के बाद हम कंसल्ट पुलिस स्टेशन को बार बार फ़ोन करके इत्तला भी करे, लेकिन कंसल्ट पुलिस स्टेशन वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। आप इस तरीके से अगर जो दूसरों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, आज मीडिया के ऊपर भी अटैक हुआ है, अगर ये चीज़ को अगर रोका नहीं गया तो आज इनके ऊपर अटैक हुआ, कल किसी और रिपोर्टर्स का भी मर्डर हो सकता है। तो लामवाला रोडी शटर के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। रिपोर्टरों पे हुए सो है पहले हमले, ऑलरेडी इससे पहले भी अटैक्स हुए सो है मीडिया रिपोर्टर्स के ऊपर, लेकिन वो टाइम पे अटैक की वजह क्या है भाई? अटैक का कुछ अभी रीज़न नहीं मालूम है, लेकिन इन्हों अपने जो साथी रिपोर्टर्स हैं उनसे मिलने के लिए गए थे 4K न्यूज़ ऑफिस के पास, वट्टापल्ली नियर महमूदा होटल के पास, मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट है वो। और रोडी शूटर सोहेल भी मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन का ही रोडी शूटर है, उन्हें भी वट्टापल्ली में ही रहने वाला है।
हम कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद अविनाश महांती सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम डीसीपी राजेंद्र नगर सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एसीपी राजेंद्र नगर से रिक्वेस्ट करेंगे, ये चीज़ का सख्त नोट लेते हुए रॉडी शेडर के ऊपर खास तौर से ज़्यादा एस पर ला जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो उसके ऊपर करें, ताकि आने वाले टाइम में इतने सारे रिपोर्टर्स हैं जो सिंगल फिरते हैं रात में, उनके ऊपर कोई भी अटैक करने से पहले 10 मरतबा सोचे। आज इनके ऊपर हुआ अटैक और इनको बच्चे अभी हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आके एमएलसी कराए, यहाँ पे एमएलसी कराने के बाद स्ट्रिचर्स दिए हैं, फेस पे अटैक हुआ सो है, इनको 8 से 9 टाके इनको स्ट्रिचर्स दिए हुए हैं, इनको टाके दिए हुए हैं। तो हम और दूसरी ये इससे पहले भी ये राउडी शटर बोलते हैं सो इनको डायनामाइट दिया था, इनको धमकियाँ दिया था इन ऑलरेडी, वो टाइम पे भी साल डेढ़ साल पहले भी बोलते सो मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल करे, फाइल करने के बाद भी वो टाइम पे भी कोई एक्शन नहीं लिए, उस टाइम पे अगर एक्शन अगर लेते तो आज मुबीन मिर्जा के ऊपर अटैक नहीं होता था। वो हमारी हम कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रॉडी शूटर सोहेल जो है और उसके साथ और 3 लोग भी थे उनके ऊपर भी बोलते सो एक्शन ले और उनके ऊपर बोलते सो कानूनी कार्रवाई सख्त करे, और उसके ऊपर हम डिमांड करते हैं पूरे जितने भी हैदराबाद सिटी के रिपोर्टर्स हैं उन सब की तरफ से डिमांड है कि वो रॉडी शूटर्स का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के बेस पे इसको पीडीएफ लगा के इसको जेल दो। और ये गांजा इस्तेमाल करने वाले और जितने रॉडी शूटर्स है सब